लोग कहते हैं म्यूजिक मेरी हॉबी है। अब म्यूजिक क्या, म्यूजिक गाना बजाना या सुनना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग गजल्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, ये मेरी हॉबी है, या सिंगिंग मेरी हॉबी है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो विषय है संगीत, ये हॉबी होना चाहिए या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि पढ़ाई होती है अच्छी खासी, है ना। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। म्यूजिक ये विषय हर कोई सीखना चाहता है। हर किसी की करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें म्यूज़िक, सिंगिंग ये एक पार्ट होता है। लोगों की हॉबी होती है म्यूज़िक, है ना। एक हम कहते हैं लिसनिंग म्यूज़िक, है ना, एक हॉबी होती है। रीडिंग बुक्स हमारी हॉबी होती है, कुकिंग हमारी हॉबी होती है। लेकिन आप ये देखें अगर कि ये हॉबी के अंदर जो जो चीज़ें हम करते हैं वो एक्चुअली में पूरे एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम कुकिंग की बात करें तो कुकिंग मेरी हॉबी है, शौकियाना मैं खाना बना लिया करता हूँ। कभी मुझे अच्छा लगता है तो भाई आज ये बना लिया, ये डिश बनाई, वो डिश बनाई, मुझे अच्छा लगता है रेसिपीज़ देख देख के बनाना। ये मेरी हॉबी है, मेरी मेरे इंटरेस्ट में आता है ये। किताब पढ़ना, मुझे रीडिंग करना पसंद है, ये मेरी हॉबी है। उसी प्रकार से लोग कहते हैं म्यूज़िक मेरी हॉबी है। अब म्यूज़िक क्या, म्यूज़िक गाना बजाना या सुनना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। लिसनिंग म्यूज़िक, लिसनिंग गजल्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, ये मेरी हॉबी है, या सिंगिंग मेरी हॉबी है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो विषय है संगीत, ये हॉबी होना चाहिए या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि पढ़ाई होती है अच्छी खासी, है ना। तो आप सभी जानते हैं संगीत एक बहुत गहरा और एक बहुत वास्ट विषय है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं इसको सब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ तो इसमें डिग्री, डिप्लोमा भी होता है और अच्छी खासी सिलेबस है, अच्छा खासा इसका, और बहुत वास्ट सिलेबस है और सालों लोग इसमें स्टडी करते हैं, इसको पढ़ते हैं, और इसमें भी डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, PhD तक होती है म्यूज़िक में। सो सोचिए, म्यूज़िक भी इक्विवेलेंट टू एनी अदर सब्जेक्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, या फिर आप एक लॉयर बन रहे हैं, CA बन रहे हैं, वो जितनी मेहनत और जिस ओहदे को डिज़र्व करता है, जो आप उसको जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही ये भी एक विषय है। क्योंकि मैं इसे एक विषय कह रहा हूँ, ना कि हॉबी। हम क्या करते हैं, संगीत को एज अ हॉबी ले लेते हैं कि भाई शौकियाना सीख लेंगे, भाई बच्चे को 2 महीने भेज दिया, KCO में 2-3 गाने बजाने आ जाए, बस हो गया, बस इतना काफ़ी है। मन बहलाने के लिए विषय लोग सीखते हैं, नो डाउट एक एंटरटेनमेंट के लिए विषय है ये। आर्ट कोई भी वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अब वो आर्ट आप सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं या दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, वो बात अलग है। वो उसका यूजेज है कि आप कैसा यूज़ करते हैं उसे, है ना। मनोरंजन का ही काम है ये, आत्मरंजन का काम है, खुद को खुश करता है, मन को रंजित करता है, ये वो विषय है। हर आर्ट ऐसा होता है, और संगीत तो उसमें बहुत ही एक ऐसी ललित कला है जिसमें कि मनोरंजन बहुत ही ज़्यादा होता है, आत्मरंजन होता है, संतुष्टि होती है, साधना होती है, मानता हूँ। मगर इसे उस नज़रिए से सीखना नहीं चाहिए, इसे सीखना फिर भी एज अ सब्जेक्ट ही चाहिए, और ये समझ कर कि इसका भी अपनी किताबें हैं, सिलेबस हैं, है ना, ग्रंथ लिखे गए हैं इस पर, है ना। तो बहुत गहरा विषय है, आप इसे इतना हल्के में ले लेते हैं कि 2 महीने 3 महीने में आ जाएगा। कोई भाई पूछता है कि कितने महीने में हो जाता है ये सिलेबस, और हम अगर कहते हैं कि इतने साल लगते हैं, तो अरे संगीत में इतने साल भी लगते हैं। कई पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जब उनके बच्चे उनसे कहते हैं हमें संगीत सीखना है, तो कहते हैं भाई हाँ उसमें क्या, जाओ सिखाओ, उसमें क्या, कितना टाइम लगेगा।
लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि ये भी उतना ही गहरा उतना ही लंबा विषय है। अगर आप अपने बच्चे को किसी ऐसे फील्ड में डालते हैं कि भाई अपने बच्चे को कॉलेज में इंजीनियरिंग करानी है या डॉक्टर बनाना है, तो भैया 4 साल 5 साल उधर आप वहां देने को तैयार हैं, लेकिन संगीत में कोई नहीं देना चाहता है। हर कोई सोचता है यार 4-5 साल इतना क्या है इस विषय में जो 4-5 साल लगने हैं, है? करना ही क्या है, 2 गाने ही 2 गाने होते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसकी जो गहराई और इसकी जो कठिनता है वो उन सभी विषयों से सबसे ज्यादा है। कि वो विषय आप पढ़कर सोचकर समझकर पार भी कर सकते हैं, डिग्री लेकर नौकरी पाकर कर भी सकते हैं, ये विषय किस्मत की बात है, ऊपर वाले की कृपा की बात है, और बहुत मेहनत की बात है, रियाज की बात है, और लक की बात है। जैसे कि मैंने बोला किस्मत की, वो स्वर लगे लगे न लगे कोई सिखा थोड़ी सकता है कि आप जाके जसराज जी के पास, है ना, उनके पास जाके बैठ गए और कह दिया बस यहां तो चले गए, मतलब 2 महीना सीख के आएंगे मतलब तो स्वर लग ही जाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। स्वर कब खिसक जाए, सीखने के बाद भी कब निकल जाए, गाते गाते उतर जाए, आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले का विषय है, ये दैवीय विषय है, कोई भी आर्ट हो, है ना। तो उसमें जितना समय दो उतना कम होता है, और आप इसे एज अ हॉबी लेते हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो दिया भी था कि संगीत हमारा शौक होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, या लाइलाज मर्ज होना चाहिए, यानी जिस ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो सके, क्या होना चाहिए, है ना। आप इसे किस दर्जे तक देखते हैं वो आपका नज़रिया है, बाकी जिस लो लेवल पर आप देख रहे हैं मैं बस वहां से उठाना चाहता हूं। फिर इसको देखना चाहें तो ये बहुत ऊंचा विषय है, दैवीय विषय है, आप स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन तक पहुंचते हैं। मगर ठीक है, हम अगर उतना ऊंचा ना जाएं, है ना, उतना गहरा ना जाएं, तब भी ये महज एक हॉबी का सब्जेक्ट नहीं है कि आप 4 महीने 2 महीने जाके आपने सीख लिया। और शौकियाना तौर पर वैसे भी हम सिखाते भी नहीं हैं, जो लोग सिखाते हैं वो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, पता नहीं क्यों सिखा रहे हैं, है ना, बेवकूफ़ बना रहे हैं वो पब्लिक को, और कुछ नहीं। जो गाने सिखा देते हैं या 4 गाने सिखा दिए कि भाई चलो हो गया तुम्हें आ गया गाना, है ना, बच्चा इसके गुमान में होता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ मुझे आता है, मुझे कीबोर्ड बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, भाई मैं ये 4 गाने तो मुझे गाने आते हैं। गाना गा लेना, गाना रट के सुन के गा लेना, ये कोई भी कर सकता है, तोता भी कर सकता है, है ना। तो उसमें और आप में यही फर्क होगा कि आप बुद्धि लगा सकते हैं, वो बुद्धि नहीं लगा सकता, और बुद्धि लगाकर आप इसमें कुछ सृजनात्मक शक्ति लगा सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकता है, जो रटा हुआ इंसान नहीं कर सकता है। तो सृजन करने के लिए, रचना करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, और वो नॉलेज सीखने से आती है, और सीखने में वक्त देने से आती है, ना कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने। यहाँ तक मैं तो ये कहूँगा साल भर देना भी बहुत कम है, इस विषय को सालों देना पड़ता है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, संगीत एक ऐसा विषय है जिससे अगर ज़िंदगी बनानी हो तो इसे जिंदगी देनी पड़ती है, पूरी लाइफ देनी पड़ती है। आप म्यूजिशियन होते हो फिर, है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई संगीत सीखा जा सकता नहीं है, भाई कलाकार तो पैदा होता है। बिल्कुल, म्यूजिशियन इज बॉर्न, एक जो आर्टिस्ट होता है वो बर्थ लेता है एज एन आर्टिस्ट, वो पैदा होता है एज एन आर्टिस्ट, उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं जो दिखाती हैं कि यार ये कलाकार बनेगा, है ना, इसके अंदर ही वो बात है, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कलाकार के घर में ही पैदा हो गए तभी आपको संगीत आ सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ललक, लालसा, जिज्ञासा, इससे आप ज्ञान को हासिल कर सकते हो, अपने अपने अंदर वो हुनर पैदा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप में वो समर्पण है इस विषय को लेकर कर सकते हो। लेकिन वक्त देना पड़ेगा इस चीज़ को, तो आपको सोचना पड़ेगा, छोटे मोटे टाइम में या सिर्फ टाइम पास के हिसाब से देखोगे तो ये विषय नहीं आएगा, और 4 गाने 5 गाने 6 भजन से कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। शास्त्र हैं इसके अपने, शास्त्रीय संगीत बोला जाता है, तो शास्त्रीय मतलब शास्त्र, और शास्त्र मतलब किताबें, ग्रंथ, नियम, कायदे, कानून सब हैं इसके, है ना, इसके भी अपने रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो बहुत गहरा विषय है, बहुत डीप सब्जेक्ट है, एज अ हॉबी मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए इस विषय को, ठीक है, और सीखें और वक्त दें इस विषय को। और रियाज बहुत ज़्यादा मांगता है ये विषय, घंटों का रियाज होता है इसमें, घंटों की साधना होती है तब जाके इतना कुछ आता है, तपस्या करनी पड़ती है, तो ये वो विषय है, हॉबी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों तक जो संगीत को बहुत हल्के में लेते हैं। धन्यवाद।